माता के लिए कोई शरीर बना नहीं धरती में अभी तक जिसमें माँ आ जाए माँ सबको पैदा करती है माँ आ जाए कि शरीर में किसी के हरिओम गुरु जी खुश रहो बेटा गुरु जी मैं ऋषिकेश से हूँ अच्छा एक गंगा जल लाया आपके लिए गंगा जल लिया है। जी। वहाँ से इतना तगड़ा माल ले है तुम अद्भुत वस्तु लाए हो बेशकीमती हैं? अमूल्य वस्तु गुरु जी ग्रुण कोई ग्रुण बात नहीं तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा इतना तुम अद्भुत चीज लाए हो तो ठीक है होना है सब गंदा गंदा दिखाई देता है तो अब ये तुम ले आयो गंगा जल वहाँ से ऋषिकेश से तो अब गंदगी कहाँ बचेगी तो अच्छे हो जाओगे मेरी किडनी में प्रॉब्लम है गुरुजी। डॉक्टर ने बोला कि नहीं होएगा ठीक इधर वाले जो अंग हैं दाहिनी तरफ वाले जी लेफ्ट वाले में दाहिनी तरफ वाले जो अंग अंदर के अंग हैं ये सब डैमेज हो रहे हैं अंदर जी जी माता की पालकी आई थी उन्होंने बोला था कि पीर बाबा ने पकड़ रखा है माता की पालकी जी ये कहाँ से आ गई पालकी उधर ऋषिकेश में ऋषिकेश में पालकी माता की पालकी अच्छा माता आने लगी वहाँ माता आने लगी पालकी में पालकी में वो डोली आती है ना डोली कहा तुम बात कर रहे हो यार सब माता की डोली आती है तुम लोगों को यार कब सदबुद्धि आएगी समझ नहीं आता है माता भी इतनी सस्ती हो गई कि डोली पालकी में चलने लगी माता माता के पाँव इतने कमजोर हो गए कि अब डोली पालकी की माताओं को जरूरत पड़ गई माता हम लोगों के लिए डोली पालकी करती है माता को जरूरत पड़ गई डोली पालकी की, की। ये कब बंद होगा अंधेरी ये नाटक ये कब नाटक बंद होगा पालकी का और डोलकी का माता आ गई माता आ गई माता आ गई ऐसे माता आ जाती हैं ऐसे माता आती हैं है? ऐसे जो माता आती न, है ना श्रापित लोग होते हैं श्रापित बचो इनसे ये श्रापित देवी देवता हैं इनसे बचो जो झूम के आते हैं झूमते हैं ये वो करते हैं कुछ बोलते चिल्लाते हैं इनसे बचो बेटा ये माताएं इतनी सस्ती नहीं है, है? माता के लिए कोई शरीर बना नहीं धरती में अभी तक जिसमें माँ आ जाए माँ सबको पैदा करती है और माँ आ कि शरीर में किसी के वो जगत जननी दुनिया की उत्पत्ति का कारण और किसी एक शरीर में आ जाएगी तुच्छ शरीर में कैसा सोच सकते हो तुम लोग ऐसे इतना घटिया सोच क्यों रखते हो भाई कुछ तो बुद्धि लगाओ यार बेटा माँ से आप पैदा हुए हैं कि आपसे माँ पैदा होगी बताओ क्या होगा आप हुए हैं और यहाँ पे फिर माँ आ गई पैदा हो गई बच्चों बेटा ये सब ढोंगियों से है ना ये सब गंदगी है माँ जहाँ होती है वहाँ रोग नहीं होते वहाँ कष्ट नहीं होते हैं माँ अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती इसीलिए आप दरबार के नियम पालन करते हो तो उसी दिन फटाक से ठीक होते हो देखते हैं सुबह से कैसे ठीक होते एक ही दिन में ठीक सब पूरा परिवार एक ही दिन में ठीक ये माँ के होने का प्रमाण है माँ अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देखती प्रार्थना सुनती है केवल नहीं बताती तुम्हारे ये रोग है जाओ अब अब कहाँ जाओगे भाई अब माँ अलावा कौन ठीक करेगा अगर माँ ही है और माँ बता रही कि तुम्हें ये ये रोग कष्ट है तो ठीक भी कर दे फिर तो ठीक तो नहीं कर पा रही हम्म hmm? तो फिर माँ कहा हुई बेटा है ना ये सारे तुम्हारे जो कष्ट है ना ये सब है बने हुए हैं बहुत कष्ट है शरीर में कष्ट ही कष्ट है रोग ही रोग है अंदर पूरा शरीर अंदर से धीरे धीरे देर सड़ रहा है है ना इन्फेक्शन बहुत हो गया है आते बिल्कुल सब ऐसे हो गए निचोड़ लगता पेट में ऐठा हुआ दर्द होता है बहुत दर्द होते हैं आते हैं ऐठी हुई है। ऐसे हुआ, हुआ। ओ.